कांग्रेस 25 सीट लेकर के आ रही है, 3 सीट बीजेपी के पास जा रही है, एकदम सारा बदलाव हुआ है, क्या लग रहा है आपको कि कौन सा फैक्टर काम किया है यहाँ पर? मुझे लगता है जो मोटे तौर पे दो फैक्टर ने काम किया, एक तो भाजपा का संगठन ने अंदर अंदर बहुत मेहनत की, एक चीज ये लगता है। दूसरा, पूरे चुनाव में भले ये बाहर कांग्रेस ऐसी हवा बनाती रही कि टिकाऊ टिकाऊ का मुद्दा चल रहा है और लोग उसके साथ रह रहे हैं, बाकी कहीं ना कहीं जिस प्रकार चुनाव के पहले भी कांग्रेस के MLA जाते रहे, चुनाव के दौरान भी हमने देखा दमों से जो लोधी है कांग्रेस के MLA वो रिजाइन करके हैं, चुनाव के बीच में लगातार हमारे को रुझान आ रहा है मध्य प्रदेश में भी। मध्य प्रदेश में जो पहले हमारे पास में कांग्रेस के पास 9 सीटें जा रही थी, अब वो 8 हो गई है, बिल्कुल बीजेपी की 1 बढ़ गई है सीट, तो मतलब ऐसा लग रहा है कि अभी तक जो आंकड़े चल रहे हैं इससे और ज्यादा मामला आगे जाएगा। मुझे लगता है कि लगभग क्योंकि अब 12 बजे के आसपास है तो ये टैली ही फाइनल रहेगी। बाकी एक बात, चुनाव के पहले से हम लोग बात कर रहे थे कि 20 सीटों के आसपास जो भी दल चुनाव जीतेगा इन द सेंस ज्यादा लीड करेगा वो 20 सीटों के आसपास जाएगा, कहीं थमेगा तो ऐसा 19 सीट तो बीजेपी अभी दिख रही है, 8 तो कांग्रेस दिख रही है। तो जिस प्रकार से कांग्रेस ने माहौल खड़ा किया था, जिस प्रकार का माहौल दिख रहा था, उससे ऐसा लगता था कि कांग्रेस कहीं 15, 17, 18, 20 तक खड़े होगी। बाकी इसका उल्टा हो गया, बीजेपी 19-20 तक खड़ी दिख रही है, कांग्रेस 8 के अंदर 10 के अंदर ब्लॉक के अंदर 8 के। हम वारिस भाई से भी एक सवाल करेंगे, वारिस भाई आपने पूरे चुनाव को देखा है, पूरे प्रदेश स्तर पे जो राजनीति चल रही है उसमें क्या लग रहा है आपको? मेरा तो ऐसा मानना है कि कांग्रेस की सबसे बड़ी चूक रही अपने कार्यकर्ताओं को इग्नोर करना। अच्छा, ये शुरू से मुद्दा बना रहा, जैसे ही पहले कांग्रेस 15 साल से बाहर रही सत्ता से, सत्ता में आई, सत्ता में आने का मुख्य कारण कार्यकर्ताओं का कार्य करना था, उनको बड़ा ध्यान दिया गया, कमलनाथ जी ने सबको कार्यकर्ताओं को बुलाया, सबकी बूथ वाइज मीटिंग की, उन्होंने बड़ा ध्यान दिया। जैसे ही चुनाव जीते वैसे ही विधायकों ने कार्यकर्ताओं को इग्नोर करना शुरू कर दिया। कई ऐसे कार्यकर्ता जिन्होंने कमलनाथ जी को ट्वीट करके बताया कि अगर आप हारोगे तो कार्यकर्ता को हारोगे, जीते भी आप उनकी वजह से, इन्होंने उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया, कार्यकर्ताओं को बिल्कुल इग्नोर किया। दूसरा, मैनेजमेंट का बहुत खराब रहा चुनाव के अंदर, इन्होंने सभी को इग्नोर किया, कार्यकर्ताओं को व्यवस्थाएं नहीं दी, कार्यकर्ताओं को काम करने के लिए फ्री हैंड नहीं किया, जिस व्यक्ति को टिकट दिया गया था उस व्यक्ति ने अपनी मर्जी से काम किया है, कार्यकर्ताओं इग्नोर किया है, जनता को इग्नोर किया, मुद्दों से भटके और सिर्फ एक ही मुद्दे को लेकर चलते रहे कंटिन्यू। अच्छा प्रीतम जी, आपके अपने धार में आपने बहुत काम किया है, धार में कभी क्या स्थिति बन रही है वहाँ पर? धार में अभी तो बीजेपी के जो राजवर्धन सिंह जो है, जो कांग्रेस से नत्तीगांव जो अभी बीजेपी में गए, वैसे उनका वर्चस्व है बदनावर क्षेत्र में, और फिलहाल जो परिणाम अभी आ रहे हैं वो भी उनके पक्ष में है। शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि मतलब ऊंच नीच हो रही है वहाँ पर, आगे पीछे हो रहा है, तो उस समय ऐसा लग रहा था कि मतलब वहाँ को बदलाव हो सकता है? नहीं, ऐसा लग तो नहीं रहा था, लेकिन कांग्रेस ने वहाँ पर मुझे ऐसा लगता कि कैंडिडेट डिक्लेयर करने में थोड़ी देर कर दी, या पहले जो कैंडिडेट डिक्लेयर किया था उसको अगर वो कंटिन्यू रखते तो शायद कुछ परिणाम अपने को दूसरे देखने में आते हैं। नेपाल नगर में भी मतलब शुरुआत में बड़ा कश्मकश का मामला चल रहा था, वहाँ पे भाजपा कार्यकर्ताओं में काफी रोष था, वो जो पुरानी जो आपके वहाँ पर पुरानी भाजपा की नहीं पुरानी भाजपा की जो विधायक थी, विधायक थी मंजू दादू, उन्होंने बीच में उनके नामांकन भरने की तैयारी शुरू हो गई थी, ये सारी चीजों को कैसे पाटा भाजपा ने? देखिए, जो ऐसा लग रहा था पहले कि काजरेकर जरूर रिजाइन करके भाजपा में आई है, एक पॉइंट ऐसा है कि लग रहा था कि नहीं, काजरेकर को वापस बैक करके साइड करके मंजू दादू को भी प्रत्याशी बनाया जा सकता है, और कार्यकर्ता भी ऐसी मांग कर रहे थे। फिर जो बीजेपी का ये कहना था कि कमिटमेंट किया हुआ हम लोगों ने, जो जो MLA छोड़ दिया तो उसके चलते नंदू भैया ने काफी इसमें मंजू दादू को मनाने की कोशिश की, मंजू दादू नाराज रहे इस पूरे फैसले से, उनके उन्होंने तो खुल के इसका अपोज नहीं किया, जिनको दरकिनार किया गया। अब ऐसा लग रहा है कि जब सरकार फुल फ्लैश भाजपा की आ रही है, शिवराज सिंह वापस मुख्यमंत्री बने रहेंगे,
तो इन लोगों को सरकार ने या जो विभाग है दूसरे अन्य विभाग या मंडलों में लोगों को जगह देने की कोई तैयारी? देखिए, जैसा मंजुनाथ नेपा नगर में नाराज चल रही थी, बाद में को मनाया गया, वैसे नरेंद्र सिंह तोमर यहाँ पर नाराज चल रहे थे, मानदाता में उनको मनाया गया, ऐसे सारी सीटों पर कहीं ना कहीं जो पूर्व विधायक टिकट चुना इन्हीं प्रत्याशियों से जो कि कांग्रेस भाजपा के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ रहा है, इन्हीं से अपने इनके सीनियर लीडर्स इन्हीं सीटों पर हारे थे 2018 भाजपा ने मनाया, काम पे लगाया। ऐसा लगता है कि अब वापस सरकार आने के बाद सरकार उनको कहीं ना कहीं निगम मंडल में या अपने जो पार्टी के पद रहते हैं या सरकार में जो पद रहते हैं उनको एडजस्ट किया जाएगा। जैसे कांग्रेस बहुत समय तक के अपने उन लोगों को एडजस्ट नहीं कर पाई थी, 15 महीने तक के सरकार में रहे, तब भी वो मंडल और इसके अंदर हालांकि कुछ जगह ही सिर्फ बदलाव कर पाए थे, शायद वो बदलाव तो अब तक चल भी रहे हैं। लेकिन अब भाजपा जब मंडलों में बदलाव करेगी तो शायद सारे मंडलों में जितने भी मंडल और इस तरह के संगठन होते हैं उसके अंदर भाजपा के कार्यकर्ता नजर आएंगे। देखिए, भाजपा ने तो अभी जो संगठन चुनाव भाजपा में हुआ उसके बाद जो जिला अध्यक्ष भी नियुक्त हुए, अभी मंडल अध्यक्ष भी नियुक्त हुए, पार्टी में से कई पद होते हैं, नहीं मंडल और निगमों में, मंडल और निगम मंडल में जो सरकार में तो निगम मंडल में भी कई पद इनके पास खाली हैं और कई पदों पर और भी चेंजेस आएंगे, पुराने लोगों को हटाया जाएगा क्योंकि नए पद भी क्रिएट किए जाएंगे। कांग्रेस में जो लोग निगम मंडलों पर एन सरकार जब जाने वाली थी 2-4 दिन पहले, मार्च की हम बात करें, 1 मार्च से 20 मार्च की हम बात करें, तो उस समय कई नियुक्तियां करी थी बीजेपी ने, सरकार बीजेपी सरकार ने उनको हटाया, बाकी जैसे उनको हटाया वो लोग कोर्ट में चले गए, कोर्ट में उन लोगों कंटिन्यू लगा, आप देखो शोभा जिस पद पर है कई लोग अपने पदों पर है, तो अब उस स्थिति में क्या अभी वो कोर्ट में मामला चल रहा है, उस स्थिति में क्या हालात बनते हैं, वो लोग वापस वो बर्थ वैकेंट होते हैं उनको एडजस्ट करेंगे, वो कहने में सरकार ये कोशिश करेगी कि जो असंतुष्ट बड़े नेता उनको कहीं ना कहीं निगम मंडलों में अन्य पदों पर ला, जो मलाई के पद कह जाते हैं उनको कहें मलाईदार पदों पर लाने की कोशिश। तो सारा अभी चल रहा है, अभी स्थिति पूरी तरह स्पष्ट नहीं हुई है, हालांकि कुल मिला के जो देखा जा रहा है कांग्रेस पूरी तरह नुकसान में है, कांग्रेस अपनी 27 में से 18 सीटें तो गंवा चुकी है और 8 सीटों पर अभी आगे चल रही है, बाकी भविष्य में अभी भविष्य के गर्भ में सारी चीज़ें देखते रहिए, हम आपको बताते रहेंगे चुनाव के ताज़ा हालात।